गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे, मेरे घर पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह सुबह देखो धूप खिली है, हवा भी चल रही है, खूबसूरत माहौल है। अभी तो सीज़न चेंज हुआ है ना, चेंज हो रहा है, और सर्दी आने से पहले का मौसम है जो मुझे बहुत प्यारा है। चावल धोकर सूखने रख दिया है, यह है मुरमुरे का चावल, आप लोग जानते ही हो, नमक लगा के रख दिया है सूखने के लिए। और ये बाज़ार से क्या क्या लाए हैं, पानी फल लाए हैं, और ये लाए हैं मशरूम, देसी मशरूम, और सलाद कट के रख दिया है मैंने। मुरमुरे खाएंगे हम सब आज, पकौड़ी भी लाए हैं, इसलिए पकौड़ी में चॉप और बैंगनी और क्या, और ये बैंगन, और ये अरबी, कहाँ क्या करेंगे पता नहीं अभी मुझे। अभी चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर देखेंगे लंच की तैयारी। और ये गरम गरम पकौड़ी तो मुरमुरे के साथ बहुत अच्छी लगती है। और मैंने पहले ही बोला ये तेल एक बार ही इस्तेमाल करते हैं ये दुकानदार जो है, इसलिए हम यहाँ से ही खाते हैं। मछली भी लाए हैं, पारसे मछली। अभी चलो सभी बनाना है, लाए हैं तो सभी बनाना है। इनसे पूछ रही मैं तो बोले सब बनाना है, मछली भी और मशरूम भी, तो हेल्प करो। और क्या, बैठ गए मशरूम को साफ़ करने। मशरूम को साफ़ करने में टाइम लगता है, घिस घिस के ऊपर का मिट्टी निकालना पड़ता है, फिर धोकर ऐसे छोटे छोटे हिस्से में काटना पड़ता है। फिर चिकन और मटन जैसे करी बनाते हैं हम, ऐसे करी बना लेंगे, मतलब वो बनाएंगे हम नहीं, वही अच्छा बनाते हैं तो वही बनाते हैं। और उनको ये बहुत प्यारा है इसलिए मुझे बनाने तो देंगे भी नहीं। और मेरी माँ जो है वो मछली साफ़ कर रही है। ये देखिए मशरूम करी लगभग रेडी, मसालों के साथ भून के अच्छे से तैयार कर लिया है। अभी पानी डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालना है, और अच्छे से बॉयल होने देना है इसको, तभी टेस्ट भी होता है और जो स्मेल होता है वो भी निकल जाता है। और मछली भी फ्राई करके दे रहे हैं, मैं सिर्फ सरसों बनाऊँगी, मछली सरसों और चावल चढ़ाऊँगी, और कोई काम नहीं, आधा मछली फ्राई ही रख दूँगी। और इधर मेरी माँ चावल सुखा रही है, मुरमुरे का चावल को बार बार इधर उधर करना पड़ता है, नहीं तो ठीक तरह से सूखते नहीं। और मैं अपने बाल सुखा रही हूँ क्योंकि आज मैंने शैम्पू किया है। तो जी लंच कंप्लीट, मेरे हस्बैंड जी ने मशरूम की कड़ी बनाई और मैंने मछली, बस। और क्या, तो फ्री टाइम अभी बहुत, मतलब आधा घंटा है लंच करने में, तो मैंने सोचा कुछ रील्स बना लूँ। और आज ज़्यादा ड्रेस वेस पहनने का तो टाइम नहीं है ड्यूटी से आने के बाद, तो लिपस्टिक और ये सिंदूर विंदूर जो रोज ही लगाती हूँ मैं, और ये चुनरी ले लिया, उसी में कर लिया। क्या करें बोलो, उतना टाइम तो हर रोज़ तो नहीं मिलेगा, कल संडे था मिला, आज नहीं मिला, तो कुछ रील्स बना लिया। अभी रेस्ट करूँगी, फिर खाने के जब टाइम होगा तब खाना दे दूंगी और आप लोगों को भी दिखा दूंगी कैसा बना है मशरूम करी और मछली। ओके, तो चलो अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। और आज का लुक मेरा कैसा है बोलना, कैसी लग रही हूँ? रोज पूछती हूँ ना, सजने के बाद पूछना जरूरी होता है, लगता है कोई अगर कमेंट करे अच्छे वाले तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए पूछती हूँ। और आज शैम्पू किया है तो चेहरा भी बहुत ज़्यादा चमक रहा है, अगर आप शैम्पू करो देखना चेहरा ऑटोमेटिक चमकने लगता है, इसलिए तो बालों को ठीक रखना, बालों में पैक लगाना, मतलब ये सब आज जैसे मैंने प्याज का रस और ऑयल मसाज किया है एक साथ, तो ये सब करना ज़रूरी है। अगर बाल ठीक रहेंगे, साफ रहेंगे, तो चेहरा भी खिला खिला रहेगा, ये नियम है। पता नहीं क्यों है, पता नहीं क्या, ये बाल और चेहरा के अलग है, एक ही साथ ही जुड़े हैं, ये अगर धूल मिट्टी से भरे होंगे, खराब होंगे, तो चेहरा कैसे साफ दिखेगा, इसलिए इसको भी साफ रखना, तंदुरुस्त रखना, बाल को एकदम ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ चेहरे पे पैक लगा लोगे और सोचोगे चेहरा चमकेगा, ऐसा नहीं होता। तो ठीक है, चलो बहुत ज्ञान दे दिया, अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो जी रेस्ट कर लिया, अभी लंच करने की बारी है, इन्होंने भी नहा लिया है, मूछ देखो, मुच्छर को देखो, मुच्छर को, हाँ देखो क्या चेहरा बनाते हैं। हाँ ये बाबा का चेहरा है, बाबा का। कौन सा बाबा, कौन गणेश बाबा, गणपति बाबा, गणपति पापा मोहनिया, गणपति। और क्या, रेस्ट हो गया, अभी लंच करने की बारी है, चलो थाली से जाती हूँ, लंच करती हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट करूंगी, फिर प्रीतम आएगा, उसको भी तो देना है। और क्या, चलो वो आते क्या करते हैं आप लोग जानते हो, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो ये जी मशरूम करी, थोड़ा
सूप सूप ही बनाया है। चावल के साथ खाने में आसानी होती है, अच्छा भी लगता है। और क्या, और ये रहा मछली सरसों, बस अभी और क्या, खाना खा लेते हैं। तो जी हम माँ बेटी बैठ गए लंच करने, और हमारी तो बातें ख़त्म ही नहीं होती, सारा दिन बातें करते, खाने के समय भी बैठकर बातें करते। हमने ऐसी आदत है हम लोगों के, मतलब ज़्यादा बातें खाने के टाइम पर ही होता है, और ऐसे बोलते हैं खाने के टाइम बातें नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्यों बैठ कर आराम से खाते रहते हैं और बातें करते रहते हैं घंटों, और कल माँ चली जाएगी, इसलिए तो आज और भी दोनों लगे पड़े हैं। क्या बोले, मन ख़राब है मेरा, बहुत ही ख़राब, प्रीतम का तो और ज़्यादा ख़राब सुनकर, क्योंकि लेकिन मेरे बाबा की तबीयत थोड़ी बिगड़ रही है ना, शुगर का पेशेंट है तो उल्टा सीधा खा रहे हैं, तो तबीयत थोड़ा बिगड़ गया है, तो माँ को जाना है और बैंक में भी कुछ काम है इसलिए भी जाना है, तो मैं रोक नहीं रही हूँ क्योंकि दोनों ज़रूरी काम है, और क्या करें, हम लोग तो जाएंगे कुछ दिनों में, तो फिर से मिलना होगा, यही अपने मन को समझा रही हूँ। नहीं तो किसको मतलब अच्छा लगता है कि माँ चली जाए, माँ रहे यही बहुत है, कुछ हेल्प हो ना हो कुछ भी ना हो, लेकिन लगता है माँ रहे अपने पास, यही बहुत बहुत बड़ी बात है ना। और आज सचमुच करी अच्छी बनी थी, लेकिन इतनी तीखी, सब लोग खाकर परेशान हो गए। और मिमी आई है अपने हाथी को ढूंढने, वो हाथी लेकर नीचे आई थी लेकिन कहाँ रख दिया पता नहीं उसको, ढूंढ रही है और हम लोगों से पूछ रही है हाथी कहाँ है, मेरा हाथी कहाँ है। अब हम क्या जाने तुम्हारा हाथी कहाँ है। तो खाना खाकर थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर शाम को मिलती हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आ गई आपकी रानी आप लोगों से मिलने, एकदम रास्ते पर मिल रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी निकले हैं, अचानक मन हुआ पुचका खाने का, गोलगप्पे खाने का, दही वाले गोलगप्पे, दही वाले गोलगप्पे जो एक दिन खाए थे हमने, बहुत टेस्टी था, वही खाने का बहुत मन हुआ। तो प्रीतम के पापा को बोला कि चलो लेकर चलो, तो बोले चलो, प्रीतम को भी लाना है, उसका कंप्यूटर क्लास था तो दोनों काम हो जाएंगे, उसका उसको लाना भी हो जाएगा और मेरा दही वाला फुचका भी खाना हो जाएगा, लेकिन मिला नहीं, दुकान बंद है तो दूसरे कहीं जाना पड़ा। मन थोड़ा ख़राब हुआ, आप अगर कुछ खाने के लिए निकलो और वो ना मिले तो बहुत बुरा लगता है ना, और बाज़ार की रौनक तो देखो एकदम भीड़ भट्टा, शहर में जैसा होता है, कभी कभी शहर भी अच्छा लगता है लेकिन मुझे गाँव, मेरा जो है ना जो दिल में बसता है वो है गाँव, शहर कभी कभी अच्छा लगता है। ये देखो गोलगप्पे खाने का मन हुआ, वो तो गांव में नहीं मिलेगा, वो शहर में मिलेगा, तब चले आओ शहर में। और ऐसे हम शहर के पास ही रहते हैं, बांकुड़ा शहर में ही रहते हैं, लेकिन ना हमारा जो इलाका है, जो मोहल्ला है, वो एकदम शांत शांत एकदम अच्छा गांव जैसा ही है, घर जो है वो सभी पक्के मकान हैं, कच्चे मकान नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन हमारे पास ही देखा आप लोगों ने, थोड़ा खेती है इसलिए थोड़ा गांव का माहौल बना रहता है इसलिए अच्छा लगता है। और ये कुछ हुआ है यहाँ पे, इसको सजाया गया है इस मार्केट को, अभी चले आए हम फुचका खाने, लेकिन दही वाले फुचका तो मिला ही नहीं, और यहाँ भी हम खाते हैं लेकिन यहाँ पे जो इंसान बनाता है वो है नहीं, उसका कोई बेटा या कोई होगा वो बना रहा है, एकदम टेस्ट नहीं था, फालतू आए हैं क्यों ऐसा लग रहा था, क्या करें बोलो, अभी आए हैं तो ले लिया, तो खाना भी है तो खा लिया, अभी चलो देखते हैं प्रीतम के पापा क्या बोलते हैं, पैसा दे दो और चलो यहाँ से निकलो। और क्या, तो मन तो भरा नहीं, मन ख़राब हो गया, तो अभी प्रीतम के पापा देखती हूँ क्या खिलाते हैं, और चलो, और जो जिस बात का डर रहते हैं वही हुआ, ट्रेन आएगी इसलिए फाटक बंद, ये देखो ट्रेन आ भी गई, रोज़ होता है जिस दिन निकलो यहाँ पे ट्रेन आता है और हमको यहाँ रुकना ही पड़ता है फाटक के पास, रोज़ की बात हो गई है ये। अभी ये पान मसाले ले रहे हैं, वो तो लेना ही है इनको, रोज़ चाहिए इनको पान मसाला। और आ गए और एक फुचका वाले के पास, उन्होंने बोला ये भी अच्छा बनाता है चलो, लेकिन मैं तो नहीं खाऊँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा खाना तो है नहीं, तबीयत बिगड़ जाएगी। मैंने बोला ठीक है आप खाओ और मैं एक टेस्ट कर लूँगी, फिर पता चलेगा यहाँ कैसा बनता है, बाद में फिर यहीं पे आएंगे है ना, देखते हैं कि अब एक टेस्ट करती हूँ। ये गया, हाँ अच्छा है, मसाले वगैरह अच्छा है लेकिन नमक थोड़ा कम था, ठीक है चलो बाद में कभी आएंगे तो यहीं से खाएंगे। और क्या,
अभी चाट भी लिया है इन्होंने, बाप रे बहुत तीखा था, मैं तो चाट नहीं खाई, मैंने नहीं खाई क्योंकि पुचका एक खाते ही इतना मतलब तीखा लगा मुझे, मैंने बोला मुझे आइसक्रीम खाना है, आप चाट खाओ, मैं नहीं खाऊंगी। तो जी आ गए आइसक्रीम की दुकान पे, यहाँ पे अमूल की आइसक्रीम मिलती है। प्रीतम के पापा को पता है कि मैं अमूल की आइसक्रीम ही खाऊंगी, और आज ये ड्रेस पहनी है, आप लोगों को दिखाना नहीं पाई, जल्दी जल्दी घर से निकली थी मैं, प्लाजो सेट एकदम कॉटन का है, बहुत कंफर्टेबल है और इसका रंग भी मुझे बहुत 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 पसंद है। ये बोलपुर से लिया था मैंने, बोलपुर से कांता स्टिच किया हुआ, हाथ से एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है ये ड्रेस, और बहुत लेट कर रहे हैं। चलो अभी आ गए प्रीतम को लेने, उसके जो कंप्यूटर क्लास है होते हैं उस स्कूल के सामने हम खड़े हैं, अभी वो आए। तो जी आ गई घर वापस, अभी आइसक्रीम खाने की बारी है, आइसक्रीम लेकर आई हूँ, बहुत देर तक रुकी रही, आइसक्रीम थोड़ा सा गल भी गया है, तो खा लेती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ मैं सुबह। प्रीतम खाए ना खाए उसकी मर्जी, माँ को एक दे दिया है, चलो सुबह मिलती हूँ।